ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th के सिलेबस की, कि 12th का सिलेबस एग्जैक्टली अभी क्या रहेगा, ये तो सीबीएसई से गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, बट कौन कौन से चैप्टर हैं। मैं ये पुराना सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, प्री लॉकडाउन, ठीक है। लॉकडाउन के बाद सिलेबस थोड़ा रिवाइज हुआ था, है ना, बट हम लॉकडाउन से पहले वाले सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वापस से पुराना वाला सिलेबस लागू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आज एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर अपन केमिस्ट्री को, 12th केमिस्ट्री को डिवाइड करेंगे, तो तीन पार्ट में हम 12th केमिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल के आपके पांच चैप्टर्स रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ऑलरेडी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर करके जो एक चैप्टर पढ़ा था 11th में, है ना, उसमें हमने गैशियस स्टेट के बारे में बात की थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, गे लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब गैस स्टेट के बारे में था, ठीक है। लिक्विड स्टेट का पार्ट हट गया था अनफॉर्चुनेटली। अब हमें 12th में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो एक चैप्टर फुल्ली डेडिकेटेड है सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस बेसिकली ये वही सॉल्यूशन है जो हम क्लास 9th में पढ़ा करते थे, कि मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, उसमें एक जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में एक जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वही आपका ये सॉल्यूशन है। हम इसके बारे में बात करेंगे और, क्योंकि आज हम जो चैप्टर चालू करने वाले हैं वो चैप्टर सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हियर वी विल बी डीलिंग विथ चेंजेस इन एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पे, है ना, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा बहुत हमने रेडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ा है, अगर आप लोग को याद होगा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो वो उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप लोग को थोड़ा याद हो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स इन 11th क्लास, उसमें हम ये देखते थे कि वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बट थर्मोडायनेमिक्स नेवर टोल्ड अस अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो वो केमिकल काइनेटिक्स होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस कितना जल्दी हो रहा है ना, उसके बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स के बात में बात करेंगे। ये काइनेटिक्स आपका फिजिक्स का ही वर्ड है, फिजिक्स का। वहां पे आप गाड़ियों की स्पीड निकालते थे फिजिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और यहां हम स्पीड वर्ड यूज नहीं करके हम वर्ड यूज करेंगे रेट। हम स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्पीड तो गाड़ियों के लिए यूज करेंगे, कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसके लिए हम स्पीड वर्ड यूज करेंगे, कि हाँ वो पर्टिकुलर इंसान कितने स्पीड से दौड़ रहा है, या वो पर्टिकुलर कार कितनी स्पीड से चल रही है। बट वेन वी टॉक अबाउट रिएक्शंस, वी से रेट, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ेंगे सरफेस फिनोमिना के बारे में, जैसे इवेपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, हालांकि हम इवेपरेशन के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, बट सरफेस फिनोमिना का मतलब होता है कि जो फिनोमिना सरफेस में हो रहा है, किसी भी सॉलिड के या लिक्विड के सरफेस में अगर कोई फिनोमिना होता है, तो उसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। व्हेन वी कम टू इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। आप लोगों ने क्लास 10th में मेटलर्जी का पार्ट पढ़ा होगा। मेटलर्जी में हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे उन्हीं के ओर से, जो भी आपके मेटल के ओर होते थे, हम उनको उससे एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते थे। तो एक्चुअली इस चैप्टर चैप्टर नंबर 6 में हम फिर से वो रिवाइज करेंगे, कि कौन कौन सी टेक्निक से, वो फ्लो चार्ट पूरा पढ़ेंगे, कि कैसे हम एक मेटल को उसके ओर से अलग कर सकते हैं। फिर पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपके अगले दो चैप्टर्स होंगे। हम ऑलरेडी पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13, 14 पढ़ चुके हैं। 13 एंड 14 ग्रुप हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में हमें रेस्ट ऑफ द फोर ग्रुप, दैट इज 15, 16, 17 एंड 18 के बारे में बात करनी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है।
डी एंड एफ तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, एस एस ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, डी और एफ हम 12th में ही पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब आपके ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक आपके वो नीचे वाले लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होगा हमारा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का मतलब होता है आज तक हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़े ना, दोज वर सिंपल कंपाउंड्स, जैसे कि H2SO4 एक सिंपल कंपाउंड है जिसको आपने क्रिस क्रॉस करके H पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव का क्रिस क्रॉस किया और वो आपका कंपाउंड बन गया, तो दोज वर सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कैटायन एन आयन होते हैं, हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं उस स्पीशीज को, तो वो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनका अलग नॉमनक्लेचर होता है, जैसे हमने सोडियम सल्फेट का नाम कैसे रखा ये हम क्लास 9th में पढ़ते थे, तो दोस वर द नॉमनक्लेचर ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। यहां हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नॉमनक्लेचर के बारे में कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, जस्ट लाइक वी डिड द नॉमनक्लेचर IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन क्लास 11, वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का भी IUPAC नॉमनक्लेचर होता है, ठीक है। तो ये सब मिला के आपका पूरा एक वॉल्यूम है। अगर आप NCERT की बुक उठाते हैं तो अगेन इस बार भी आपकी केमिस्ट्री जो है वो दो वॉल्यूम में डिवाइडेड है, उसमें पहले वॉल्यूम में आप ये सारे 5 फिजिकल वाले चैप्टर्स और आपके 4 इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, टोटल 9 चैप्टर्स हम वॉल्यूम 1 में पढ़ेंगे। व्हेन वी कम टू वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 में हम पूरा ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। ये एक अलग डेडिकेटेड बुक रहेगी आपकी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स क्लास 11th में पढ़े हैं, एक जनरल प्रिंसिपल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें हमने अलग अलग तरह का मैकेनिज्म देखा, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखे, है ना, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स, बेंजीन, इन सबका नॉमनक्लेचर और इन सबका हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बनाने का तरीका देखा था कि हम कैसे एल्केन को बनाएंगे, कैसे एल्कीन को बनाएंगे, अल्काइन को बनाएंगे, बेंजीन को बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम देखे थे। अब थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिक एरिया, जैसे कि हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ये आपके अलग और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। मतलब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हैलोजन लगा देंगे तो उसे हम हेलो एल्केन्स कहेंगे। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी आपके 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक्चुअली हमको यहाँ पे और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जब मैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में होगा तो हम इसका प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 3 और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हम इनके बारे में फिर बात करेंगे, उनकी उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल बोथ। अमाइन्स एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, NH2, फिर इसमें भी सेम चीजें होंगी, इनका भी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो हमारे लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, है ना, DNA, RNA, ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, विच आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी, इसलिए इसका नाम बायोमोलिक्यूल्स है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर जैसे कि पॉलिथीन एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर और है, जस्ट लाइक जैसे आपके 11th में एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था, वैसा ही एक चैप्टर हमारे 12th में भी है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में आप केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे साबुन हम यूज करते हैं सुबह, वो एक केमिकल है, डिटर्जेंट एक केमिकल है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के कुछ केमिकल्स के बारे में ना हम इस चैप्टर में, जो मैंने यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है, देखिए वो ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है, ना वो इनऑर्गेनिक का है, ना वो फिजिकल का है, इट इज रिलेटेड टू डे लाइफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो एक चैप्टर और है जिसको हमें बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, एकदम डिटेल में उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर बहुत ही कम वेटेज का है, ठीक है। तो ऐसा आपका पूरा केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। आज जो हम चालू करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है वंशिका, शिवरे एंड हिशिकर,
ठीक है, एग्जैक्ट सिलेबस कैसा होगा ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक सीबीएसई का गाइडलाइंस नहीं आ जाता। बट ये जो मैंने आपके साथ चैप्टर्स डिस्कस किए ना, ये सारे चैप्टर्स प्री कोविड के पहले के चैप्टर्स है। इनमें से कुछ चैप्टर्स ओमिट कर दिए थे जब हमारा पोस्ट मतलब कोविड के बाद जो सिलेबस आया उसमें कुछ सिलेबस में भी रिडक्शन हुआ था। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स भी ओमिट कर दिए थे, जस्ट लाइक जैसे आपके 11th में टॉपिक्स ओमिट किए गए थे वैसे ही 12th के भी कुछ टॉपिक्स ओमिट कर दिए गए थे। बट इस बार पूरा आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार सब चीजें टाइम पे चालू हो रही हैं, तो उम्मीद है कि चैप्टर्स पूरे एज इट इज होंगे जैसे प्री कोविड में था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आप चैप्टर दैट इज सोल्यूशंस, तो सोल्यूशन बेसिकली आया कहाँ से है ना, पहले अपन वो बात करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कहाँ से आया है उसके बारे में बात करेंगे, फिर अपन सॉल्यूशंस पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर जो होता है वो आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। ये क्लास 9th में ही हम पढ़ते थे। दो कैटेगरी मतलब एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप से हम मैटर को क्लासिफाई करते थे। जब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 9th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और जब केमिकली मैं इसको क्लासिफाई करता हूं तो प्योर सब्सटेंस एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डालते हैं। प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो प्योर का ऑपोजिट क्या होगा, इम्प्योर होगा। बट अपन इम्प्योर ना बोल के उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, किसी को याद है मिक्सचर के दो टाइप क्या थे? एनीवन? होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। एग्जैक्टली, होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। ये तो अपन पूरा 9th क्लास में पढ़े हैं। तो मैं एक्चुअली सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो आया कहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मिक्सचर दो टाइप के हो गए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, समझ में आ रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम सोल्यूशन बोलते हैं। और हेटरोजीनियस दो टाइप के होते हैं, याद आ रहा है? थोड़ा क्लिक कर रहा है क्या, कौन से दो टाइप के हेटरोजीनियस की मैं बात कर रहा हूं? ट्राई करिए। एक था कोलॉइड, दूसरा था सस्पेंशन। अभी याद आया? पहली बार सुन रहे हैं क्या कोलॉइड एंड सस्पेंशन? वंशिका नो सर। सुने है ना, हिशिकर यस सर। है ना? तो बेसिकली वो दोनों हेट्रोजीनियस टाइप के मिक्सचर होते हैं एंड ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहां से आया है आपका बेसिकली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही अपन स्टार्ट इसलिए किए, ऐसे किए। देखो, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। याद आ रहा है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का बना हुआ होता है, एक कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्वेंट। याद आ रहा है ये चीज? यस और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जो कंपाउंड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये आपके सॉल्वेंट की डेफिनेशन हो गई। द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। बट सॉल्वेंट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। मतलब सॉल्यूशन दिखने में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट में। अगर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर आपने सॉल्वेंट गैस लिया है तो सॉल्यूशन गैसियस होगा, और अगर आपने सॉल्वेंट सॉलिड लिया है तो आपका सॉल्यूशन सॉलिड होगा। एम आई क्लियर? इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? यस सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। और
ये सॉल्यूट के बारे में है कि वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। वन और मोर कंपोनेंट इससे बोल रहा है क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक से ज्यादा सॉल्यूट डालते हैं। जैसे लेमनेड का एग्जांपल ले लो, नींबू पानी। नींबू पानी में पानी आपका सॉल्वेंट है, बाकी नींबू शक्कर नमक ये सब क्या है, आपके सॉल्यूट है जो आप कम क्वांटिटी में डालते हैं। तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है, दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। क्लियर है बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब? ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, तो टोटल टू कंपोनेंट हो गए, इसलिए सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है, आगे बढ़ू? Yes. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि हम सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक कैटेगरी होती है एक्वस एंड नॉन एक्वस, जो हालांकि मैंने यहां मेंशन नहीं किया हुआ है, बट वो आप नाइन्थ में पढ़ते थे। एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट आपने पानी लिया होगा। अगर आपका सॉल्वेंट वॉटर है इसका मतलब वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और अगर आपका सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन नॉन एक्वस है। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है एक्वस और नॉन एक्वस की। क्लियर है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? एम आई ऑडिबल? यस। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन तो एक्वस और नॉन एक्वस हो गई। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट अगर आपने वाटर लिया है तो एक्वस, और अगर अदर देन वाटर कोई भी सॉल्वेंट है तो नॉन एक्वस। ये जो क्लासिफिकेशन आपको बोर्ड में दिख रही है सामने, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नौ टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, नौ टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपने सॉल्वेंट गैस लिया है तो सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड। अगर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया है तो सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड। एंड इन द सेम वे अगर आपने सॉल्वेंट सॉलिड लिया है तो सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ऐसे नौ टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, जिनमें भी सॉल्वेंट गैस है यहाँ पे गैशियस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जिनमें भी सॉल्वेंट लिक्विड है वहां पे लिक्विड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और जिसमें भी सॉल्वेंट सॉलिड है वहां पे सॉलिड सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यही तो हम पीछे लिखे थे पॉइंट, कि आपके सॉल्वेंट का स्टेट बताएगा कि आपका सॉल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एम आई क्लियर? है ना, इसलिए यहां पे पहले से ही लिख दिया है, गैस वाले सॉल्वेंट को गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड वाले सॉल्वेंट को लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड वाले सॉल्वेंट को सॉलिड सॉल्यूशन। ये सबके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि गैस इन गैस वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, लिक्विड इन गैस वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉलिड इन गैस वाले का एग्जाम्पल क्या होगा। इसको सॉलिड इन गैस बोलेंगे, गैस इन सॉलिड नहीं बोलेंगे, बिकॉज सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका गैस है, तो इट विल बी नोन एज सॉलिड इन गैस, ठीक है, नॉट गैस इन सॉलिड। हमेशा सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, नॉट सॉल्वेंट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूट, ठीक है। इसलिए इसको बोलने का तरीका भी ऐसे होगा, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हालांकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, राइट? ये सब टर्म्स पढ़े ना हम क्लास 11th में। हमारा जो टर्म वन में पहला चैप्टर था आपका, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे हम मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन है ना, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ये सब पढ़ते थे, याद आ रहा है? तो बेसिकली बेसिकली वो सारे टर्म्स हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब मैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की बात करता हूं ना, तो हम कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली।
क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आपने बोल दिया कि हाँ ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ठीक है. बट दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, कि वो कंसंट्रेशन हम किस बेसिस में बोल रहे हैं कि वो कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है ना. किसी के लिए कम सॉल्यूट भी कंसंट्रेटेड हो सकता है ना. तो इसलिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड बोल के कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है. हाँ, सही तरीका ये होगा कि हम उस कंसंट्रेशन को कुछ वैल्यूज दे दें, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन वैल्यू है इस सॉल्यूशन का, ये कंसंट्रेशन वैल्यू है इस सॉल्यूशन का. तो हमें ज्यादा आसानी होगी दोनों को डिफाइन करने में, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में. इसलिए क्वालिटेटिव मेथड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. यहां पे लिखा है मैंने क्वालिटेटिवली हम डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बोलते हैं सॉल्यूशन को, बट जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम प्रॉपर कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमरल आएगा आपका, नंबर के टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, उसको अपन क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है. तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ओनली, कि हाउ वी विल एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है. उसमें सबसे पहला आपका है मास परसेंटेज. ये आप नाइन्थ में भी पढ़े हो मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज बेसिकली ये बताएगा कि किसी भी कॉम्पोनेंट का मास कितना है. कॉम्पोनेंट मतलब द कॉम्पोनेंट कैन बी सॉल्यूट, द कॉम्पोनेंट कैन बी सॉल्वेंट. तो इसलिए यहां पे कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है. हम उसका मास ऊपर रखेंगे और पूरे सॉल्यूशन का मास हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, एंड द डिविजन विल गिव यू द फ्रैक्शन. और जब आप उसको इनटू करेंगे 100 से तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज. तो ऐसे हम मास परसेंट निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्पोनेंट का. सॉल्यूट का निकालना चाहते हो तो सॉल्यूट का निकालिए, सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो सॉल्वेंट का निकालिए, ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने नीचे मेंशन किया है कि इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वॉटर. मान लीजिए आपने बस बोल दिया कि मेरे पास 10% ग्लूकोज है वॉटर में बना हुआ बाय मास. इतना ही बस अगर हमने बोल दिया, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. 10% ग्लूकोज इन वॉटर बाय मास, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया है ग्लूकोज का, तो उसमें 90 ग्राम पानी है, 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है. ये होता है इस स्टेटमेंट का मतलब. समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट का मतलब? यस सर. है ना, अब आप इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है. देखो, अगर मैंने 20% डाला तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये 10% तब डाइल्यूट कहलाएगा. अगर मैंने 5% रखा तो वो 5% वाला आप डाइल्यूट होगा और 10% कंसंट्रेटेड हो जाएगा. यही तो कंफ्यूजन है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बोलने में. समझ में आ रहा है क्वालिटेटिवली हम क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को? क्योंकि ये 10% ग्लूकोज 20% के सामने डाइल्यूट है बट 5% के सामने कंसंट्रेटेड है, ठीक है. मतलब ये 10% कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है. इसलिए अपन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट टर्म यूज नहीं कर रहे हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. वी आर डायरेक्टली यूजिंग अ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. मास के टर्म्स में हमने परसेंटेज बता दिया कि ग्लूकोज आपका जितना भी सॉल्यूशन का मास होगा उसमें 10% ग्लूकोज होगा, बाकी का 90% मास वॉटर का है. तो अगर मैं 100 ग्राम लेता हूं तो 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वॉटर है. दैट्स इट. क्लियर है मास परसेंटेज? यस. ओके, सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज बेसिकली हम लिक्विड के लिए यूज करेंगे. अगर मेरे पास दोनों लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और मुझे दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है कि मेरे पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना परसेंट सॉल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है, तो इससे हम निकाल सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक मास परसेंटेज ओनली. वहां पे हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे या मास के हेल्प में हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम के हेल्प से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. दैट्स इट. यही एक डिफरेंस है. वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. तो अगर 10% बोलता हूं मैं कि आपका 10% एक एग्जांपल है नीचे देखो, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ बाय वॉल्यूम,
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ml मेरे पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ml इथेनॉल है और बाकी 90 ml आपका वाटर है. इट इज जस्ट लाइक मास परसेंटेज. बस ये कि वहां पे हम मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहां हम वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट्स इट. और कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर है वॉल्यूम परसेंटेज? चलिए थर्ड है पीपीएम. पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन. जैसे अपन बोलते हैं ना लाखों में एक, है ना, लाखों में एक मतलब बहुत कम हो गया ना. मतलब कोई चीज अगर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है ना तो उसे हम पीपीएम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. पीपीएम मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6. 10 to the power 6 का मतलब होता है 1 million. ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि उस पूरे सॉल्यूशन में कितना ppm आपका सॉल्यूट है. मतलब हाउ मेनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन. उसका एक एग्जांपल है नीचे देखिए. अ लीटर ऑफ सी वाटर, एक लीटर अगर आप समंदर का पानी लेते हैं, हमको पता है वो खारा पानी होगा इसलिए उसका एक लीटर एक किलो के बराबर नहीं होगा. अदरवाइज एक किलो आप पानी नॉर्मल लेते हो, एक लीटर पानी अगर आप नॉर्मल लेते हो तो उसका वजन एक किलो होता है. बट सी वाटर का वजन एक किलो नहीं होगा. एक लीटर सी वाटर का, एक लीटर सी वाटर का वजन लगभग 1030 ग्राम होता है. ठीक है, अब उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है. 6 × 10⁻³ मतलब हो गया 0.006 ग्राम. 10⁻³ मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम 0.006 ग्राम. मतलब इतने ग्राम में, ये तो एक ग्राम भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, उससे भी छोटा है. तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेस क्वांटिटी. अगर आपका सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन तो अपन ppm में रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऊपर लेंगे कि इसका कितना पार्ट प्रेजेंट है, कितना है, 0.006 ग्राम प्रेजेंट है, और ओवरऑल सॉल्यूशन का मास या टोटल पार्ट कितना है, 1030. तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे और इंटू 10⁻⁶ कर देंगे मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो कुछ आएगा ना वो 5.8 आएगा. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किन दोनों को, 0.006 डिवाइड बाय 1030 इंटू 10⁻⁶, तो ये बेसिकली आपका 5.8 आएगा. इसका मतलब 5.8 ppm आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका क्या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सी वॉटर. 5.8 ppm. समझ में आ रहा है? क्लियर है ppm? नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन. जैसे अपन ने मास परसेंटेज निकाला था, यहाँ पे अपन परसेंटेज ना निकाल के फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करेंगे. और जब मैं फ्रैक्शन बोलता हूं तो वो दैट शुड बी लेस देन वन. ठीक है, तो देखिए, और वो भी मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम. मोल का फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि मेरे टोटल सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मोल है और सॉल्वेंट का कितना मोल है. ठीक है, अब मुझे अगर दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, मेरे टोटल सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और नीचे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एक बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर मतलब उसमें दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट है का नाम है ए और दूसरे कंपोनेंट का नाम है बी, और उनके नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और एन बी है. मतलब ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का निकालना है कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो हम क्या करेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और x से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को. वी रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन बाय अ लेटर x. ठीक है, अगर मैं a का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो मैं x के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में a लिख दूंगा, और अगर मैं b का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो मैं x के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में
बी लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आप एक्स बी भी निकाल सकते हो, एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी कंपोनेंट का। ए कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप अगर दोनों को ऐड करते हो एक्स ए प्लस एक्स बी तो दैट विल बी इक्वल टू वन। वही चीज लाइन लिखी हुई है नीचे, इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, मतलब अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, लेट्स से अगर आपको एक्स ए पता है तो आप एक्स बी निकालने के लिए वन माइनस एक्स ए भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? मोल फ्रैक्शन है ना, इस तरीके से हम कोई भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म है आपका मोलारिटी। मोलारिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 डेसीमीटर क्यूब। आप 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसका मोल में कन्वर्जन करना है। देखो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, है ना, स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। इट इज नथिंग बट द मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये याद है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? अगर मुझे किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में दे दिया है और मुझे बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करो मोल में, तो हम क्या करेंगे, उसके मास को डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस के मोलर मास से, तो हमें मिल जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दैट इज हाउ वी कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, ठीक है। तो यहां पे अपन को मास नहीं रखना, याद रखिएगा सॉल्यूट का हम क्या रख रहे हैं, मोल रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखना है ना, एमएल में नहीं लिखना है। अगर एमएल होगा तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके 1000 से, और बट हमारा यहां पे नीचे जो वॉल्यूम आएगा दैट शुड बी इन लीटर। तो अल्टीमेटली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर हम मोल लिख रहे हैं और नीचे हमारा लीटर है, तो मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्लियर है, मोल पर लीटर, या फिर इसको हम कैपिटल एम भी बोलते हैं। कैपिटल एम का मतलब अपने आप में मोल पर लीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ूं? ओके, एक एग्जांपल नीचे देखिएगा। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और बोलते हैं कि वो आपका 0.25 मोल पर लीटर उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि 0.25 एम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब जाके उसका कंसंट्रेशन 0.25 एम होगा। 0.25 एम मोलारिटी कब होगा, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स 0.25 लिया है और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, तभी तो आपका आंसर 0.25 आएगा ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, देखिए एक बार, इफ यस अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपका टर्म होता है मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें भी आपका न्यूमरेटर सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर लेते हैं इन द न्यूमरेटर साइड, और डिनोमिनेटर में हमने पीछे लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट यहां हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपके सॉल्वेंट का मास क्या होगा वो भी केजी में, वहां पे वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का वो भी लीटर में, यहां मास क्या होगा सॉल्वेंट का केजी में, ठीक है, वो हमारा होगा डिनोमिनेटर साइड में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल ऊपर है और नीचे केजी है, तो मोल पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ मोलालिटी, ठीक है। अब अगर इसका भी एक एग्जांपल है, अगर बोलते हैं किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 है, इसका मतलब क्या होगा, उसका 1 मोल डिसॉल्व होगा या उसका 1 मोल सॉल्यूट होगा
in 1 kg of solvent. ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर है लाइन? इफ यस, अपन आगे बढ़ते हैं. ये सारे आपके कंसेंट्रेशन टर्म्स हो गए हैं. ठीक है, हम इतने कंसेंट्रेशन टर्म्स को यूज करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, आज के टॉपिक पे हमने जो अभी किए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है. इट इज बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला भी ब्रैकेट में दे दिया है ताकि आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सको, मोल्स निकाल सको. तभी तो फॉर्मूला दिया है ताकि आप यहां से इसका मोलर मास निकालो और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सको. ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास. 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास बोल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें 20 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है और बचा हुआ 80 ग्राम आपका वाटर है. यही हुआ इसका मतलब, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज. यस और नो? यस. ठीक, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे दोनों का मोल निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा और 80 ग्राम वाटर को भी मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा. ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इसका मोलर मास निकाल लेता हूं. C2H6O2 का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो C2 का हो जाएगा 24 ना, आपका मास क्या होता है इसका 12. तो 24 हो गया आपके कार्बन का, 6 हो गया आपका हाइड्रोजन का टोटल और 32 हो गया आपका ऑक्सीजन का. 32 प्लस 6 इज 38, 38 प्लस 4 इज 42 प्लस 20 इज 62 आपका ग्राम पर मोल यानी कि मोलर मास आया. इसको हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मैं ऐसा लिख लेता हूं इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम कितना है 20 ग्राम और मोलर मास है 62. दिस विल गिव मी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. और वैसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 80 ग्राम आपका मास है वाटर का और मोलर मास कितना होता है वाटर का, याद है किसी को? मोलर मास वाटर का, ओहो, वाटर का मोलर मास 18. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 18. ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.322 मोल. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 80/18 4.44 मोल. ठीक है, ये दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया. अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल है तो C2H6O2 को मैं सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगा. इट इज इक्वल टू 0.322 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 0.322 प्लस 4.44. समझ में आ रहा है फॉर्मूला? है ना, और इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.068. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल का ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन. अब अगर आपको वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालने बोलता, हालांकि इसमें दिया नहीं है, पूछा नहीं है, पर अगर बोलता तो आप क्या करते, इसी को 1 माइनस कर देते तो वो आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाता. समझ में आ रहा है? हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है बट आप निकाल सकते हो, 1 माइनस करोगे तो आपको वाटर का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, चलो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन. एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन मोलारिटी. देखो मोलारिटी पे क्वेश्चन है तो मोलारिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं. मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, ठीक है। अब सॉल्यूट हमें क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, ये आपका हो गया सॉल्यूट 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, तो ठीक है 450 को तो हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाय 1000 करके। इस 5 ग्राम NaOH को मुझे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 5/40, यानी कि 1/8, यानी कि 0.125, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है? हाँ यस यस, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया, इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करके यहां पुट अप करेंगे, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 0.125 अपॉन 450 भी अगर लेते हो तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, ये ऊपर जाके इनटू 1000 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इनटू 1000 क्यों किया मैंने, ये 450 बाय 1000 करोगे ऊपर जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, राइट? यस, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जब डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका पूरा 125 ही हो जाएगा अपॉन 450, है ना। ऑन सॉल्विंग इसका आंसर 1 से कम ही आने वाला है, क्योंकि 125 को आप 450 से डिवाइड करो, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.278 मोल पर लीटर लिखो या एम लिखो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखो, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? है ना। तो ये आपका मोलारिटी पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये है मोलारिटी के ऊपर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर सेम रहता है ना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट आपका डिनोमिनेटर में पीछे हमने देखा था कि दैट वाज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पे रहता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो वी वॉन्ट टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी दे दिया, हालांकि ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला CH3COOH, अपने इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा है 11th क्लास में। CH3COOH इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड था, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन का मतलब क्या हुआ, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पहले हम 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड का मोलार मास कितना हो जाएगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, n ऑफ इथेनोइक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड इज इक्वल्स टू 2.5 आपका मास इन ग्राम हो गया। और इसका अगर मैं मोलार मास निकालूं, दो कार्बन है तो 24 तो कार्बन का हो गया, चार हाइड्रोजन है तो चार हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन दो है तो 32 ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो दैट विल बी टोटल 24 प्लस 4 इज 28, 20 प्लस 32 60, यानी कि 2.5 अपॉन 60 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इथेनोइक एसिड, और इसका वैल्यू आएगा 0.417 मोल, ठीक है, 0.047 मोल आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन का मास ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000 से ऊपर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख देते हैं, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 0.0417 आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है, अपॉन 75 ग्राम आपका सॉल्वेंट का मास है, पर वो ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो ये इनटू 1000 हो जाएगा। क्लियर है, देखो फॉर्मूला। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 41.7 अपॉन 75 आएगा, ठीक है, विच ऑन सॉल्विंग
हमको मिलेगा 0.556 मोल पर केजी। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है आखिरी में। तो ऐसे हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन क्लियर है पूरा। कोई डाउट आज के टॉपिक पे? वंशिका, ऋषिकर, शिवरे? ये मैंने कुछ चार पांच क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये पीडीएफ में भी आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, है ना। आपको ये पांचों क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन ही है ना। बाकी तीन चार क्वेश्चन तो सिमिलर उसके जैसे ही है। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंजेस है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में ना आपको डेंसिटी दी हुई है, तो थोड़ा सा आपको डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। वो यूज करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का। बाकी क्वेश्चंस तो वैसे ही है जैसे हमने अभी देखे हैं, तीन क्वेश्चंस मोलालिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बेसिस में देखे थे। वैसे ही कुछ आपके यहाँ पे चारों पांचों क्वेश्चन उसी के बेसिस में ही है, ठीक है। या तो मोलालिटी कैलकुलेट करना है, आखिरी क्वेश्चन में मोलालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आज की क्लास में? चलिए ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं इसके, है ना।